हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑफिशियल अमरा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है द सीरीज सिग्मा 1/n लॉग n की होल पावर p इज क्या होगी। चार ऑप्शन दिए गए हैं, कन्वर्जेंट p ग्रेटर देन 0 या p ग्रेटर देन 1 या p जो है 0 और 1 के बीच है और डाइवर्जेंट p इज ग्रेटर देन 1। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कॉची कंडीशनल थ्योरम से। तो यहाँ से हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया है सिग्मा 1/n लॉग ऑफ n की होल पावर p, ये वैल्यू दी गई है। तो कॉची कंडीशन क्या होगी, सिग्मा n जो है n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी अपॉन n लॉग ऑफ n की होल पावर p, ये वैल्यू हो जाएगी कॉची कंडीशन। एन इक्वल टू यहाँ होगा 2 से इन्फिनिटी, तो ये हो जाएगी कॉची कंडीशन। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग सिग्मा ए की पावर एन यू की पावर होल एन, जहाँ एन जो है 2 से इन्फिनिटी है। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आएगा सिग्मा 2 टू इन्फिनिटी, उसके बाद a की पावर n और u की पावर n, यानी कि ये चीज़ पूरी u मानेंगे। तो यहाँ से आएगा a की पावर n 1/1 ये आ जाएगा a की पावर n log ऑफ n की होल पावर p। क्लियर? तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a की पावर n जो है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ ये मिलेगा हमें सिग्मा 2 टू इन्फिनिटी 1/n² लॉग ऑफ n की होल पावर p। तो यहाँ से 1/n² कैसी, सिग्मा 1/n², ये तो हमें कन्वर्जेंट है क्योंकि p कैसा है, p ग्रेटर देन 1 है। तो इस कौन सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ से, यानी बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द सीरीज 1 + 2² / 2 3² / 3 + 4² / 4 .. इज, यानी डाइवर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट होगी कि कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी कि ऑसिलेटरी होगी। ये क्वेश्चन आया है UPPCS 2006 में। तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले इसका यू एन निकाल लेंगे। यू एन हमें क्या मिलेगा, यू एन मिल जाएगा n+1 ² / (n), ये वैल्यू मिलेगी यू एन। अब हम यहाँ से निकाल लेंगे यू एन प्लस वन कितना आ जाएगा, n+2 ² / (n+1). अब इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी un/un+1। तो यहाँ से अगर निकालें तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x+1 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल x+1 अपॉन फैक्टोरियल x+2, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको ग्रेटर देन वन को लेकर सॉल्व करेंगे तो ये सीरीज कैसी हो जाएगी, ये सीरीज हो जाएगी कन्वर्जेंट। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमने करने वाले हैं वेक्टर एनालिसिस से। तो क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ c × a × a × b क्या होगी। तो इसके चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन आया है एल्टीग्रेड 2018 में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि अगर a क्रॉस ब्रैकेट में b × c है तो ये वैल्यू क्या हो जाती है। तो ये हो जाती है a डॉट c ब्रैकेट में फिर v वेक्टर माइनस, उसके बाद ये होता है a वेक्टर डॉट v वेक्टर
ब्रैकेट क्लोज सी वेक्टर, क्लियर। यानी कि ए क्रॉस अगर बी क्रॉस सी है तो ए डॉट सी हो जाता है, फिर लास्ट में वी, उसके बाद ए डॉट वी, फिर सी वेक्टर। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सी क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस बी वेक्टर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको हम लोग सिर्फ ए की तरह, एक एलिमेंट की तरह ट्रीट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो ये वैल्यू यानी कि सी क्रॉस ए डॉट क्या आएगा, ए टर्म यानी कि बी वेक्टर, फिर उसके बाद आएगा ए वेक्टर माइनस, ये तो ऐसे ही रखेंगे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, फिर डॉट आएगा बी वेक्टर, फिर आएगा सॉरी अब आएगा यहाँ पर ए वेक्टर, यहाँ पर आ जाएगा ए वेक्टर, फिर आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर बी वेक्टर। अब यहाँ से देख रहे होंगे आप सी क्रॉस ए डॉट ए, तो ये हो जाता है, इसको कहेंगे सी वेक्टर ए वेक्टर और ए वेक्टर, इसकी वैल्यू होती जीरो, क्योंकि दो एलिमेंट अगर इक्वल है तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सी ये आ जाएगा सी क्रॉस ए डॉट बी वेक्टर, उसके बाहर ए वेक्टर और माइनस जीरो, जीरो उसको निगलेक्ट कर दिया। तो यहाँ से जब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटरचेंज कर लेंगे, तो यहाँ से ही वैल्यू आ जाएगी ए वी सी, ए वी सी, और बाहर आ जाएगा ए वेक्टर। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ एफ वेक्टर इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई आई कैप प्लस एक्स जेड जे कैप प्लस टू वाई जेड के कैप, देन दी वैल्यू ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ क्या होगी। तो ये क्वेश्चन आया है एल टी ग्रेड 2018 में, तो इसके चार ऑप्शन हैं 0, 1, 2, 3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कर्ल ऑफ एफ, फिर उसका ले लेंगे डाइवर्जेंस। तो सबसे पहले कर्ल ऑफ एफ क्या आ जाएगा, यहाँ से ये एक डिटरमिनेंट होगी जिसमें क्या होगा आई कैप, उसके बाद जे कैप एंड कैप के कैप, उसके बाद डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड, उसके बाद यहाँ पर क्या है एफ की जगह आई कैप की जगह एक्स स्क्वायर वाई, जे के टर्म में यहाँ पर है एक्स जेड, देन है टू वाई जेड, टू वाई जेड। अब इसको अगर निकालेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से आएगा आई कैप, ये मल्टीप्लाई होगा डेल ओवर डेल वाई टू वाई जेड, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा टू जेड, यानी कि वाई के सापेक्ष आंसी का अवकलन होगा। उसके बाद माइनस माइनस डेल ओवर डेल जेड एक्स जेड का होगा, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स, उसके बाद माइनस जे कैप, ये छुपाएंगे ये छुपाएंगे, डेल ओवर डेल एक्स टू वाई जेड का, तो यहाँ जीरो आ जाएगा, माइनस डेल ओवर डेल जेड एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ जेड का टर्म है नहीं, तो ये भी जीरो आ गया। उसके बाद प्लस के कैप, अब ये छुपाएंगे ये छुपाएंगे, डेल ओवर डेल एक्स एक्स जेड, तो यहाँ जाएगा जेड, उसके बाद माइनस, उसके बाद क्या आएगा डेल ओवर डेल वाई एक्स स्क्वायर वाई, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, क्लियर। जब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू में क्या मिलेगी, ये आ जाएगा आई कैप टू जेड माइनस एक्स, उसके बाद ये टर्म तो जीरो हो गया, प्लस के कैप जेड माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये तो हमारा निकल गया कर्ल एफ, कर्ल एफ। अब हमें निकालना है इसका डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ से डाइवर्जेंस अगर निकालेंगे तो डाइवर्जेंस कर्ल एफ इक्वल टू, तो यह आ जाएगा डाइवर्जेंस डॉट, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे आई कैप टू जेड माइनस एक्स प्लस के कैप जेड माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं डेल की वैल्यू क्या होती है,
डेल की वैल्यू हम लोग इसको इधर लिख ले रहे हैं, डेल की वैल्यू होती है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप, ये वैल्यू होती है डेल की। तो जब इसको यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या हमें मिलेगा, ये हम लोग इसको यहीं लिख लेते हैं डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस यहाँ से आएगा डेल ओवर डेल जेड के कैप डॉट, उसके बाद आई कैप टू जेड माइनस एक्स प्लस के कैप जेड माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये वैल्यू यहाँ से आ गई। अब इसका हमने करना है डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि जे वाला टर्म तो इसमें है नहीं, वो तो जीरो हो गया। डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, इसमें क्या होगा एक्स का अगर करेंगे तो यहाँ जाएगा माइनस वन, माइनस वन प्लस जीरो, और उसके बाद डेल ओवर डेल जेड तो इसमें करेंगे तो यहाँ जाएगा प्लस का वन, तो प्लस माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या वैल्यू आएगी यहाँ से, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिलेगी माइनस वन और प्लस वन, तो ये आ जाएगा जीरो। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ ए डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 144 एंड ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर इक्वल टू 4 दिया गया, देन पूछा गया बी वेक्टर कितना होगा, मॉड ऑफ बी वेक्टर पूछा गया। तो क्वेश्चन है एलटी ग्रेड 2018 में आया है, तो इसको हम लोग करेंगे। तो हम लोग जानते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, और इसका अगर इसका स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर इनटू मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर एन कैप स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की अगर बात करें का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर स्क्वायर मॉड बी वेक्टर स्क्वायर, उसके बाद कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हो जाएगी। अब अगर इक्वेशन वन एंड टू इसको दे दें नाम, इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, इन दोनों को अगर ऐड करें तो दोनों में देख रहे हैं मॉड ए वेक्टर का होल स्क्वायर इंटू मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये दोनों कॉमन मिल जाएंगे। यहाँ मिल जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इनके अब यहाँ मान लेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यही वैल्यू में निकाल, ये दी गई है, तो यहाँ से हम लोग इसको करेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आ जाएगा मॉड ऑफ ए वेक्टर का होल स्क्वायर मॉड ऑफ बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। बट हमें दिया गया है मॉड ऑफ ए वेक्टर इक्वल टू 4, तो 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16 इंटू मॉड बी वेक्टर का होल स्क्वायर। बट हमें ये वैल्यू दी कितनी गई, 144 दी गई। अगर 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमें कितना मिलेगा, 16 बार जाएगा भाग, नहीं 9 बार जाएगा इसका, तो ये 9 आ गई वैल्यू। तो यहाँ से मॉड वी का वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया, तो यहाँ से आ गया मॉड वी वेक्टर, तो ये वैल्यू आ गई 3। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ़ आई वेक्टर सॉरी आई कैप जे कैप एंड के कैप आर यूनिट वेक्टर्स, ये हमें दिए गए हैं यूनिट वेक्टर्स, देन पूछा गया द वैल्यू ऑफ आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं आई डॉट आई या जे डॉट जे या के डॉट के, ये वैल्यू होती 1। और इसी प्रकार अगर कहें आई क्रॉस जे, तो ये वैल्यू होती के कैप, उसके बाद जे क्रॉस के की बात करें तो ये होती है आई कैप, उसके बाद के क्रॉस आई, तो ये होती है जे कैप। बट यहाँ से अगर ये बात कहें
कि आई क्रॉस के, आई क्रॉस के अगर इसका उल्टा कहें तो ये हो जाएगा माइनस जे कैप, अगर के क्रॉस जे कहें तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप, और जे क्रॉस आई कहें तो ये हो जाएगा माइनस के कैप। उसके बाद अगर बात करें आई डॉट जे की, आई डॉट जे की तो ये वैल्यू हो जाएगी जीरो, जे डॉट के तो ये वैल्यू जीरो, और के डॉट आई की वैल्यू जीरो। हम लोग इसमें निकालें, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आई डॉट जे क्रॉस के क्या हो जाएगा, इसको आई डॉट, इसको ऐसे रखते हैं, इसको हम लोग इधर लिखते हैं, हमें निकालनी है आई डॉट, आई डॉट जे क्रॉस के क्या आएगा, यहाँ से आई आएगा प्लस उसके बाद जे डॉट आई क्रॉस के, आई क्रॉस के ये वैल्यू आ जाएगी यानी माइनस जे, माइनस जे प्लस के कैप ऐसे रहेगा डॉट आई क्रॉस जे क्या आएगी, आई क्रॉस जे ये के कैप इक्वल टू, ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी आई डॉट आई कितना हो जाएगा, आई डॉट आई जे आई डॉट आई यहाँ से आ जाएगा वन, आई डॉट आई जे डॉट जे और के डॉट के वन। उसके बाद माइनस का ये वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का जे डॉट जे ये माइनस का वन प्लस वन इक्वल टू वन, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ए एंड वी आर टू यूनिट वेक्टर्स इंक्लाइन एट एन एंगल पाई बाई थ्री देन दी वैल्यू ऑफ मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन आया है PGT टीयर 2015 में, तो इसको हम लोग करेंगे। तो हम लोग जानते हैं मॉड ए प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर, ये हो जाता है मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर स्क्वायर प्लस टू मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस थीटा, बट हमें इंक्लाइंड एंगल कितना दिया गया है पाई बाई थ्री। तो यहाँ से और ए और बी वेक्टर कैसे हैं यूनिट वेक्टर, यानी मॉड ए वेक्टर और मॉड बी वेक्टर ये वन है वैल्यू। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी वन, वन का स्क्वायर वन, वन का स्क्वायर वन प्लस टू इंटू वन इंटू वन कॉस पाई बाई थ्री, तो यहाँ रख लेंगे वैल्यू कॉस पाई बाई थ्री। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा टू प्लस टू प्लस टू कॉस साठ की वैल्यू, कॉस साठ की वैल्यू वन बाई टू, तो ये वैल्यू आ गई थ्री। कैसी आ गई वैल्यू थ्री, तो यहाँ से ये तो हमारा आ गया स्क्वायर यानी मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर। अगर इसकी बात करें स्क्वायर रूट की यानी मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट थ्री, रूट थ्री आ जाएगा यहाँ से। बट रूट की थ्री की वैल्यू कितनी होती है, रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732 जो कि 1 से बड़ी है, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड आर आई प्लस के कैप एंड टू आई प्लस जे कैप प्लस के कैप इज क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं एरिया पैरेललोग्राम क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। बट हम लोग इसको मान लेंगे ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस के कैप और बी वेक्टर इक्वल टू मान लेंगे टू आई प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वैल्यू मान लेंगे। अब हम लोग निकाल लें इसका एरिया, तो एरिया क्या होगा, यहाँ से एरिया होगा मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्लियर। तो यहाँ से जब इसका एरिया निकालेंगे तो ये आ जाएगा आई कैप जे कैप एंड के कैप, आई की वैल्यू यहाँ पर वन, जे है नहीं के वन, उसके बाद यहाँ पर आएगा टू, यहाँ पर आएगा वन वन। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से हम लोग यहाँ हमें वैल्यू मिलेगी आई जीरो हो जाएगा, उसके बाद माइनस माइनस वन माइनस जे कैप ये छुपाएंगे ये छुपाएंगे वन माइनस टू, वन माइनस टू प्लस के कैप ये छुपाएंगे ये छुपाएंगे यानी वन माइनस जीरो वन
तो यहाँ से वैल्यू हमारी आ गई माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आई? ये आई है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। तो अब हमें लिखना है इसका मॉड। जब हम लोग इसका मॉड लेंगे तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ से देखते हैं। तो ये आ जाएगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड, तो ये हो जाएगा इस रूट माइनस आई, आई का कोफिशिएंट का स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? वन प्लस वन प्लस वन यानी कि रूट थ्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ से करेक्ट हो जाएगा।